देश में पहली बार ऐसे हमें प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो ऐसे इतने नजदीक से बैठ के हमारी भावनाओं को करना चाहते हैं। सर, बींग एजुकेशनिस्ट, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट है और इसमें हमारी कायापलट हो जाएगी। भाषा हमारे लिए बोझ नहीं है, भाषा हमारी समृद्धि है जी। इसको हमने संभालना चाहिए और जहां संभाल सकते हैं संभालना चाहिए। लोगों को लगता होगा कि चुनाव तो हो गया, अभी क्यों मिल रहा है मोदी। मैं चुनाव के लिए नहीं मिलता हूँ जी, आप लोगों से मिलूंगा तो मुझे पता चलेगा भाई यहाँ ये करने वाला काम है, ये होने वाला काम है, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये कम्युनिटी की आपके साथ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे आपका सीना इतना चौड़ा है और आप निडर हैं और आपने हर सिचुएशन में ये दिखाया, और हर नागरिक सोचता है कि आपके होते हुए वो सेफ है, और सारा वर्ल्ड आज इस वक्त जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। और मैं तो मानता हूँ जी, देश डिसिप्लिन के बिना नहीं चल सकता है जी, नहीं चल सकता है जी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी, हमें विविधता तो चाहिए, विविधता को फलने फूलने के लिए अवसर चाहिए, लेकिन उसका सेंट्रल थीम जो है एकता, इतना बड़ा देश चल ही नहीं सकता है जी। अब समय हमारा है, और जो लोग कहते हैं भाई 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये मौका बहुत कम आता है जी। उस मौके को हम कैसे अपना बना सकते हैं,